आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। कूद कर चढ़ जाना, किसी जानवर पर चढ़ जाना, किसी आदमी पर चढ़ जाना, बच्चा कूद कर उसके कंधे पर बैठ गया। कूद कर बैठना, कूद कर चढ़ना, अंग्रेजी क्या होगी, किसी पर या किसी चीज पर भी। कूद कर चढ़ना, टू जंप अपॉन, कूद कर चढ़ना, टू जंप अपॉन समबड़ी और समथिंग। ज्यादातर लोग घोड़ी पे बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, कभी कभी भैंस पे भी बैठ जाते हैं। तो जिस पर भी कूद कर चढ़ो, कूद कर बैठो, तो अंग्रेजी ये बनेगी, मैं घोड़े पर कूद कर चढ़ जाता हूँ, मैं घोड़े पर कूद के चढ़ जाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई जंप अपॉन द हॉर्स, आई जंप अपॉन द हॉर्स। यदि भैंस पर चढ़ जाता हूं, आई जंप अपॉन द बफेलो। शी जंप्ड अपॉन द हॉर्स, वो कूद कर घोड़े पर बैठ गई, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गई। द ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, द ब्राइड ग्रूम जंप्ड अपॉन द मेयर एट वंस, दूल्हा घोड़ी पर कूद कर फौरन बैठ गया। एट वंस माने फौरन, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इससे पहला भी पास्ट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई विल जंप अपॉन हिम एट वंस, मैं उस पर फौरन कूद के चढ़ जाऊंगा। आई विल जंप अपॉन हिम एट वंस। आई हैव जंप अपॉन द हॉर्स, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ चुका हूँ, चढ़ चुका हूँ। शी जंप्ड अपॉन हर फ्रेंड सडनली, वो अपनी दोस्त पर कूद कर बैठ गई। द चाइल्ड जंप्ड अपॉन माई शोल्डर, अर्थात बच्चा कूद कर मेरे कंधे पर चढ़ गया। कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।